क्षेत्रीय जी, भारत के क्षेत्रीय जीपीएस में तुम्हारी हेडिंग हो गई। क्षेत्रीय जीपीएस में दो तरह के जीपीएस भारत के पास, एक तो गगन और दूसरा आईएनएसएस। अभी मैंने तुमको बताया कि हम जगह कब, कारगिल वॉर के टाइम में, समझा हम जगह कब, कारगिल वॉर के टाइम हमें समझ में आ गया कि हमें जरूरत है। हुआ क्या, गगन जो है उसको जरा देखो, गगन का काम स्पेशली डिफेंस के लिए है। आजकल तुम लोग एयरपोर्ट पे जाओ तो मोदी जी की फोटो ऐसे लगी होती है, गगन ऊपर नाम लिखा होता है और लिखा होता है कि यह वायुयानों को रास्ता दिखाने के लिए एक नई आधुनिक प्रणाली है जो लाई गई है। मतलब इसका नाम कहा है, वायुयानों में क्या है, वायुयानों को मॉडर्नाइज करना है। ठीक है, असल में हम लोग जो यूज करते हैं वो रडार वगैरह यूज करते हैं। रडार वगैरह से जो सिस्टम वर्क करता है उसमें थोड़े खतरे होते हैं, जैसे कुछ खतरे हैं लेह लद्दाख, जैसे एक जगह है तुम अगर मैंगलोर एयर चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है और उसका जो रनवे है ना जहाँ पे वो प्लेन चलता है वो बहुत छोटा था पहले, आज से 8-10 साल पहले ऐसी दुर्घटनाओं के सारे पैसेंजर चले गए। तो ये सब जो रडार से जो कभी कभी वेदर अच्छा नहीं है, है ना, रडार अच्छा नहीं यूज करते हम, जो प्लेन होते हैं वो रनवे पे खड़ा रहता है, धीरे धीरे ऊपर उठेगा, कंजेशन होता है, थोड़ा धीरे धीरे चल रहा होता है, रडार इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा होता है, रडार इतनी अच्छी जो मैंने सिक्योरिटी बोली लेह लद्दाख वाली जगहों के लिए अच्छा सिक्योर नहीं है। तो ऐसी जगहों के लिए हम लोगों ने गगन के बारे में सोचा। ये प्रोजेक्ट 2005-06 के आसपास का है, टारगेट था 10-12 तक ही बना लेंगे, लेकिन वो है कि बनाया लेकिन अभी हमने पूरा किया। गगन जो है इसके पीछे एक डील हुई इसके बीच में इसरो और एआई के बीच। इसरो सबको पता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको मैं फिर से नहीं लिखने जा रहा, ठीक है ना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के। एआई मैं बता देता हूं, ये भी तुम में से काफी लोग जानते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमान सुविधा क्या करते हैं, अथॉरिटी ऑफ इंडिया विमान अधिकार। इसमें क्या होता है कि इन दोनों के बीच के लिए डील क्या है, दिन ये है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मॉडर्नाइज एयरक्राफ्ट चाहिए अत्याधुनिक, रास्ता बताने के लिए, नेविगेशन के लिए, इन सब चीजों के लिए। तो होगा क्या कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया डेवलप क्या देगा, इनको पैसे देगा, इसरो को फंडिंग जनरेट करेगा और इनकी जरूरत भी पूरी होगी। और इसरो क्या करेगा, उपग्रहों को लगाएगा जिस उपग्रह का प्रयोग मॉडर्नाइज एयर ट्रैफिक में अत्याधुनिक है, मॉडर्नाइज एयर ट्रैफिक के लिए कौन करेगा, मॉडर्नाइज एयर ट्रैफिक में करेगा कौन, एयरपोर्ट अथॉरिटी, समझ गया तुम लोग, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसी पर्पस के लिए ये उद्देश्य पूरा करना था, इसके पीछे कुल तीन उपग्रहों को लगाने थे, इसके पीछे कुल तीन उपग्रहों को लगाने थे, इनमें से दो उपग्रह तो तुम लोगों ने जी सैट लगा लिए थे पहले, एक लग ही नहीं रहा, 2009 के आसपास हम तुम लोगों ने दो लगा लिए थे 9-10, और ये जो तीसरा लगा रहे थे वो 9 या 10 के आसपास जब ट्राई किया तो फेल हो गया, ये सफल हुआ अभी जाके जल्दी 1-2 साल पहले, और अब मैं ये कह सकता हूं कि गगन अब पूरी तरह से काम कर रहा है। बात समझ में आ गई, तो एक छोटा सा उदाहरण मिल गया गगन, गगन क्या, अच्छा गगन का पूरा नाम है कोई, गगन का पूरा नाम हिंदी में कोशिश ना करना, देवनागरी बड़ी कठिन हो जाएगी, गगन का पूरा नाम है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। सो जीपीएस में जी ए जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, तो देखो GAGAN, ऐसा पहले गगन नाम भारत सरकार ने डिसाइड कर दिया, बाद में उसका जबरदस्ती पूरा नाम बनाया, मतलब मुझे तो यही लगता है, अब तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं, ठीक है। तो ये रहा पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन जो गगन के बारे में था, यूपीएससी में इससे ज्यादा नहीं आएगा। एक और सुनो आईआरएनएसएस के, इसके बारे में, ठीक है बच्चों, अच्छा अब मुझे जगह चाहिए, मैं यहाँ इसको मिला के आईएनएसएस समझा देता हूँ, आगे बढ़े, बोलो भाई, मतलब हिंदी माध्यम में होता हूँ, बोलोगे तुम लोग, बोलो नहीं आपने तो नहीं, कब उससे कह, लेकिन
आगे बढ़े, चलो इधर देखो। आई एन एस एस का पूरा नाम सुनो, सिस्टम। तुम लोग को याद होगा कल मैंने तुम लोगों को 7 उपग्रह पढ़ाए थे एक साथ लगाए हुए। yes, sir. पढ़ाए थे? Yes, sir. और सर पूरा का पूरा तुम लोग को वीडियो दिखाया था, याद है? अच्छा, इसमें क्या होता है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये जरूरत थी कारगिल के समय, समझ आ गया। भारत ने क्या किया, इसका भी एक उद्देश्य पूरा करने के लिए 2007-8 के आसपास इसके बारे में बात, मतलब भारत सरकार की तरह इस तरह की चीजें मिलेंगी। ये जो था शुरुआत में प्रतिरक्षा मंत्रालय के अंदर रखा गया था, मतलब सिर्फ इसका काम होगा देश की सुरक्षा यानी सिक्योरिटी, यानी डिफेंस मिनिस्ट्री प्रतिरक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आया, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर था, ये देश की सुरक्षा के बारे में। इसके अंतर्गत कुल 7 उपग्रहों को लगाया जाना, और टारगेट ये रखे थे 2012 तक पूरा कर लेंगे। वो अलग बात है कि पूरा भी 20 साल अप्रैल मई में सपना लगा के भेजे 2016 में, और आज ये पूरी तरह से काम में आ रहा है, ठीक है। 7 उपग्रहों में, अब सुनो, 3 और 4 लगाने थे, 3 जो लगाने थे वो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में लगाने थे, और 4 जो है वो जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में लगाने थे। तो जियो हो गया जियो स्टेशनरी, है ना, अर्थ ऑर्बिट, अर्थ ऑर्बिट भूस्थैतिक पृथ्वी की कक्षा, और ये जो जीजीओ लगाना था वो जियो स्टेशनरी, है ना, ये अर्थ ऑर्बिट ही के ट्रांसफर ऑर्बिट है। ट्रांसफर ऑर्बिट में थोड़ा सा इंक्लिनेशन है, यानी झुकाव कोण जो होता है वो परिवर्तित होता रहता है हल्का हल्का, कल दिखाया था मैंने तुमको, ठीक है। कैसे लगाया था, मैंने वो कहा था कि मान लो अगर ये ग्लोब है, ये ग्लोब है, ठीक है, ये पूरा इक्वेटर है, याद आ रहा है, तो इक्वेटर, और ये पूरा भारत है, मान लो ये पूरा भारत है, ठीक है। 7 उपग्रह अगर यहां से यहां तक अगर तुम लगा रहे हो तो कैसे लगा रहे हो, मैंने बताया कि मान लो ये उपग्रह लगा रहे हो तो 1 उपग्रह यहां है, 2 उपग्रह यहां है, 3 उपग्रह यहां है। अच्छा, ये भी तुमको बताया था कि उपग्रह जो है सातों के सातों वो कैसे घूमेंगे, अगर पृथ्वी 24 घंटे में घूम जाती है तो उपग्रह भी 24 घंटे में घूमेंगे, तभी तो भूस्थैतिक होगा। कल वाली चीज समझ रही थी, यानी पृथ्वी का घूर्णन काल और ये उपग्रह जो है उसका परिक्रमण काल, ये भी बताया था 3 किलोमीटर पर सेकंड पर जाके 36,000 किलोमीटर, सब याद है। अच्छा, अब तो एप्लीकेशन पार करो, उपग्रह का सुनो यहाँ पे क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे अगर अच्छा 3 ये हो गए, ठीक है, 1 ये हो, ऐसे ऐसे कुछ बताया था मैंने कि नहीं बताया था, ऐसे कुछ बताया था ना कल, बबलिंग करता हुआ ही, फाइन, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, आईएस वाले वीडियो में दिखा था, फाइन। जबकि ये कैसे जा रहा था, सबको बताया था कि अगर मान लो ये पूरा इक्वेटर की दूरी 111 किलोमीटर जो मान लो ये है, तो जियो स्टेशनरी ऐसे घूम रहा था, एकदम ऐसे जियो स्टेशनरी एकदम ऐसे घूम रहा था, लेकिन जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, लेकिन जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट थोड़ा सा झुक के आ रहा था, जैसे थोड़ा सा झुक के आ रहा था, लेकिन सातों का समय कितना था, 24 घंटे, तभी हमेशा उस जगह के लिए सातों स्थिर थे। इसका मतलब ये पृथ्वी है और ये 1, 2, 3, 4, 5, 7 उपग्रह है, तो सातों ऐसे लगे, तो सातों पृथ्वी के साथ साथ ये कहां गए, इंडिया, इंडिया ही है ना, तो अगर इंडिया घूम रहा है ऐसे, सब सातों उपग्रह इंडिया के साथ साथ सामने से घूम रहे हैं, ठीक है ना, और सब में, अच्छा 3 का तो एंगल फिक्स था, और ये जो 2 थे ये चेंज कर रहे थे, और जो चेंज कर रहे हैं, यानी अगर मैं कहूं 1, 2 और 3 ये क्या थे, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, ये क्या थे, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, और ये 4, 5, 6 और 7 क्या थे, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, समझाया था कि नहीं। सबका टाइम पीरियड कितना था, 24 घंटे। अच्छा, इसीलिए सब के सब क्या थे, पृथ्वी के उस जगह के लिए स्थिर थे। अच्छा, भारत ने अब अपने 7 उपग्रह लगा लिए, ठीक है,
जब जब आईआरएनएसएस के तीन उपग्रह तुमने भेजे थे, इसके नाम 1A, 1B, 1C, 1D ऐसे ऐसे होते हैं, आईआरएनएसएस 1, आईएसएस 1B, ऐसे है। तो हुआ क्या बच्चों कि तीन तक तो बोला जाता था कि सिर्फ प्रतिरक्षा के लिए होगा, बाद में आया कि सिर्फ प्रतिरक्षा के लिए नहीं, इसको हम सिविलियन यूजेस में भी लाएंगे। और तुम्हारे मेंस के पेपर में पिछले साल 2015 में ये क्वेश्चन आ भी गया था कि आईएनएसएस के जो फंक्शन है एसपीएस और पीपीएस, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम, है ना? अपना मेंस का पेपर देखो, ये क्वेश्चन तुम लोगों को मिला है, मिला है ना? और इसको प्रिसीजन और भी नाम से जानते हैं, प्रिसीजन पोजीशनिंग सिस्टम। स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम जो होगा ये सामान्य यूजर्स में होगा, सिविलियन यूजर्स में, ठीक है, अपनी गाड़ियों में लगाओ, अपने हवाई जहाजों में लगाओ, है ना? लेकिन प्रिसीजन जो होगा ये कहां होगा? प्रतिरक्षा में। कैसे प्रतिरक्षा में होगा? देश की सुरक्षा में होगा। कैसे होगा? यहां से पिक्चर में बना रहा हूं, इधर देखो, मान लो है ना, ये इंडिया है, ये देखो, ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, यहां पे तुम्हारे सातों उपग्रह है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ऐसे कुछ है। होता क्या है, सबका कोई ना कोई इंक्लिनेशन मतलब झुकाव कोण होगा, इसका इधर, 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 सातों। इन सातों की मदद से फायदा क्या होने वाला है कि भारत के बाउंड्री से लेकर करीब 1500 किलोमीटर तक का, बाउंड्री से लेकर करीब 1500 किलोमीटर तक का, बाउंड्री से 1500 किलोमीटर तक का, 1500 किलोमीटर तक की इमेजेस तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, रिजोल्यूशन क्या होता है? क्षमता, कितने करीब करीब तक जाके देख सकते। अगर वैल्यू रिजोल्यूशन की कम होती है तो क्वालिटी और अच्छी, यानी और करीब देख ले रहा है, नहीं समझे? तुम लोग मुझे बताओ, 20 रिजोल्यूशन अच्छा है कि 10 रिजोल्यूशन अच्छा है? 20 दूंगा मैं, 10 रिजोल्यूशन अच्छा है। अरे तुम मुझे बताओ, इतनी दूरी देख ले तो अच्छा है कि इतनी दूरी देख ले तो अच्छा है, ऊपर वाली? तो वैल्यू कम हुई यानी गुणवत्ता ज्यादा हुई? नहीं समझ रहे। समुद्र तटीय क्षेत्र है। अच्छा, अब समुद्र तटीय क्षेत्र पे जो रेजोल्यूशन पावर है 20 मीटर और 20 मीटर का है, और जो लैंड पर है वो 10 मीटर और 10 मीटर का है। इसको हिंदी इंग्लिश में लेता हूँ, रेजोल्यूशन यानी अंतर करने की क्षमता, रिजोल्यूशन होता है वो मिनिमम डिस्टेंस जिसको हम आसानी से देख सकते हैं, रिजोल्यूशन कहलाता है। जितना कम वैल्यू रिजोल्यूशन की होगी उतनी अच्छी क्षमता। सब लोग समझ रहे हो? अच्छा, अब सुनो, अब इससे क्या फायदा होगा? अब देखो, इससे फायदा यह है कि भारत के बाउंड्री का चादर 1500 किलोमीटर है, तुम लोग इमेज देख सकते हो, आराम से तुम्हें दिख रहा है पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आराम से चाइना, मतलब सॉरी चाइना में क्या हो रहा है, इधर पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इधर बांग्लादेश में क्या हो रहा है, इधर श्रीलंका में क्या हो रहा है, इधर पूरा कोस्टल एरिया, इधर कहीं कसाब एंटर तो नहीं कर रहा है, सब पता चल रहा है। सर कसाब अब कैसे एंटर करेगा? अरे जब किया था मैं उसी को बता रहा हूँ, समुद्र से आया था, यहाँ सब सब सैटेलाइट देख रहा है। अब बांध बॉर्डरिंग एरिया में टेररिस्ट एक्टिविटी चल रही है, सब देखेगा। बॉर्डरिंग एरियाज में सैनिक ज्यादा बढ़ रहे हैं, लग रहा है कुछ खतरे का चांस है, कोई अटैक अटैक तो नहीं करना है, मान लो टेररिस्ट रात में एंटर मार रहे हैं, सब पता चलेगा, कोशिश करेगा। इस तरह की चीजें हैं आईएसएस, इस तरह से आईएसएस देश की सुरक्षा के लिए कार्य करेगा। ये था पूरा का पूरा आईएसएस।